हेलो एवरीवन, पेशाब में खून आना यानी कि हेमेचूरिया। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसके कुछ रीजंस स्पेसिफिक होते हैं और इसे कैसे ठीक हम कर सकते हैं आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए पेशाब में खून आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं और कब हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके 3 से 4 ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो किडनी से पहले की बीमारियां होती हैं। हो सकता है किडनी में ही कोई बीमारी हो, या हो सकता है कि किडनी के किसी आसपास में कोई ऐसी ट्यूमर हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हमें पेशाब में खून आने की दिक्कत आ रही हो। तो पेशाब में जब खून आता है तो इसे हम बोलते हैं हेमेचूरिया, यानी कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन। इसका मतलब ये है कि जब भी पेशाब में ब्लड का प्रेजेंस हो जाता है, ब्लड उसमें मिल जाता है, तब इसे हम हेमेचूरिया का नाम दे देते हैं। ये एक मेडिकल लैंग्वेज है। अब अगर बात करें कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कई रीजंस होते हैं और ये अलग अलग रीजंस में डिवाइड किया गया है, यानी कि किडनी के अंदर की बीमारियां, किडनी के बाहर की बीमारियां, या गॉल ब्लैडर की बीमारियां, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हो, या किसी को यूरेथ्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पेशाब में खून आने की शिकायत या ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो कुछ कारणों की लिस्ट हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, उनको समझिएगा और देन उसके बाद में लास्ट में समझेंगे कि इसके लिए आप क्या मेडिसिन, क्या ट्रीटमेंट और कैसे इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया, दूसरा होता है नॉन ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया। इन दोनों में बहुत ही स्पेसिफिक एक डिफरेंस होता है जिसमें कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, यानी कि ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया है या फिर पेशेंट को नॉन ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया है। इसके अलावा हो सकता है कि किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से हो रहा हो, रीनल हो या एक्स्ट्रा रीनल हो, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पोस्ट रीनल से भी आपको हेमेचूरिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब अगर बात करें कि ग्लोमेरुलर में क्या डिफरेंस है, ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया होता है उसके अंदर आपको 3 से 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली होती है डिसमॉर्फिक यूरिनरी इरिथ्रोसाइट्स, यानी कि जो उसके अंदर आपको इरिथ्रोसाइट मिल रही हैं वो एक शेप जो है उसका अलग होगा, ठीक है, डिसफॉर्मिक होगा। दूसरा इरिथ्रोसाइट्स जो है और इसके साथ में MCV भी है वो लेस देन 72 FL होगा। तो आप समझिएगा कि ये ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया है। इसके अलावा पेशेंट को प्रेजेंस होगी आरबीसीज कास्ट की प्रेजेंस होगी ग्लोमेरुलर में, और इसके अलावा आपको कॉन्कोमिटेंट प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा मोर देन 1 mg/day। ये आपको ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया में देखने को मिलेगा, आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर बात करें कि नॉन ग्लोमेरुलर जो हेमेचूरिया होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो सबसे पहले आइसोमॉर्फिक यूरिनरी एरिथ्रोसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। एरिथ्रोसाइट्स विद MCV जो है वो मोर देन 72 FL होगा, और RBC कास्ट जो है इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, और सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ग्लोमेरुलर और नॉन ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया में डिफरेंसेस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या कॉज हो सकते हैं, रीनल कॉजेस क्या होते हैं, और आपको इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा रीनल होते हैं या पोस्ट रीनल होते हैं उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले हो सकता है ग्लोमेरुलर डिसीज हो, कार्सिनोमा हो, या सिस्टिक डिसीज हो, या हो सकता है ट्रॉमा हो, एम्बोलिज्म हो, ऐसी प्रॉब्लम में भी आपको जो रीनल प्रॉब्लम्स होती हैं यानी कि रीनल के जो अंदर की बीमारियां होती हैं उसमें आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा रीनल में आपको देखने को मिल सकता है कैल्कुलाई हो, प्रोस्टाइटिस हो, यूरेथ्राइटिस हो, या हो सकता है किसी को इन्फेक्शन हो, ब्लैडर कैथेटराइजेशन हो, या न्यूप्लाज्म हो, यानी कि अगर किसी को कैथेटर लगाया है पेशेंट को, आपने देखा होगा पेशेंट का यूरिनरी रिटेंशन जब होता है, पेशेंट को पेशाब जब रुकता है, तो ऐसे सिचुएशन में कैथेटर हम लगाते हैं, तो कैथेटराइजेशन की वजह से कई बार अनाड़ी लोग होते हैं जो वेल ट्रेंड नहीं होते हैं, तो वो जब कैथेटर लगाते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिस्टमिक कॉज की अगर हम बात करें तो जो कॉगुलेंट डिसीजेस
मेडिसिंस होती हैं या एंटीकॉगुलेंट्स मेडिसिंस होती हैं उनकी वजह से आपको देखने को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सिकल सेल ट्रायड्स होते हैं जो बीमारियां होती हैं उसमें देखने को मिल सकती है या वैस्कुलाइटिस में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैसे ठीक कर सकते हैं तो सिंपली हेमामेलिस एक वेस्टर्न मेडिसिन होता है। हेमामेलिस 200 पोटेंशियम में आप ले सकते हैं और इस मेडिसिन को आप अप्रॉक्स 7 से 10 दिन के लिए आप अगर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके साथ में अर्निका मोंटाना, अगर किसी को ट्रॉमा की वजह से प्रॉब्लम है तो अर्निका मोंटाना 200 पोटेंशी में दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को आप 4 से 5 ड्रॉप्स हैं डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। और जो हेमामेलिस है उसे 10 बूंदें आप आधे कप पानी में दिन में केवल 2 बार लें, सुबह एंड शाम को लें और 7 से 10 दिन के लिए लेंगे तो आपकी ब्लीडिंग के प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी और आपकी यूरिनरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगी। आई होप कि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे डॉक्टर लोकेंद्र ब्लॉग पर आप सब्सक्राइब करें, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पर भी हम संडे टू संडे काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड हेल्पफुल पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।